नमस्कार, मेडिसिन के इस नए टॉपिक में अब हम बात करेंगे कार्डियक हार्ट साउंड्स के बारे में। हार्ट साउंड्स एक्चुअल में वाल्व के एक्टिविटीज के बारे में आइडिया देते हैं, यानी कार्डियक वाल्व्स की क्या कंडीशंस हैं इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें हम S1 और S2 हार्ट साउंड पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। S3 और S4 हार्ट साउंड जो कि ये वेंट्रिकल्स की कंडीशंस के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे आप देखेंगे S3 हार्ट साउंड, वेंट्रिकल गैलॉप। गैलॉप का मतलब होता है कितनी सरपट तेजी से चलने वाली घटना। तो जहां S3 वेंट्रिकुलर गैलॉप के बारे में बताता है, ये वेंट्रिकल्स के भीतर अर्ली पैसिव फीलिंग के बारे में बताता है। आप जानते हैं ना, सबसे शुरुआती दौर में जब वेंट्रिकल फिल होता है तो पैसिवली फिल होता है। ये नॉर्मल फीलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, पहले वो जो ब्लड गिरता है वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है। तो जो पैसिव फीलिंग होती है जिसमें तेजी से जो गिरता है वो गैलॉप सरपट तेजी से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस समय, वो S3 होती है। ये अर्ली डायस्टोल जो कि पैसिव लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग के बारे में आइडिया देता है। यह आमतौर पर सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉर्मली प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसके लिए बहुत ही मुलायम, बहुत ही कंप्लायंट लेफ्ट वेंट्रिकल होना चाहिए। इस साउंड को सुनने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही कंप्लायंट होना चाहिए, मुलायम सॉफ्टनेस जैसा होना चाहिए, और यह सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का एक साइन हो सकता है। अभी मोटे तौर पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो अर्ली लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फीलिंग होती है उस दौरान जो डायस्टोल के जो शुरुआती स्टेज होते हैं जिसमें पैसिवली वेंट्रिकल में फीलिंग होती है ग्रेविटी की वजह से, उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो S3 हार्ट साउंड होता है। S4 क्या होता है, ये लास्ट में जब एट्रियम तेजी से पंप करता है तो लास्ट में जो वेंट्रिकल भरता है, यानी लेट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग के बारे में ये आइडिया देता है। तो ये एक्टिव लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग आप समझ सकते हैं ना, जब लास्ट में एट्रिया जब सिस्टोल करता है उस समय जब लेफ्ट वेंट्रिकल फील होते हैं तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो S4 होता है। अगर ये सुनाई दे तो यह एबनॉर्मल प्रेजेंस होती है, और इसके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का नॉन कंप्लायंट होना जरूरी है। ये एक बेसिक जानकारी है। S1 का प्रोड्यूस होता है, S2 का प्रोड्यूस होता है, उसकी जानकारी तो होती है, लेकिन S3 S4 के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया है। तो चलिए सबसे पहले हम S1 S2 को सुनने का प्रयास करेंगे। ये S1 और S2 फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड है, जिसमें ये दोनों ही हाई पिच साउंड माने जाते हैं, और इसे आप डायफ्राम की मदद से सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा जो मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, एवी वाल्व, जो मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं उनके क्लोजिंग के समय S1 हार्ट साउंड सुनाई देता है। इस इवेंट को याद रखना है, और इसे सुनने के लिए आप जहां एग्जैक्टली ये वाल्व होते हैं उससे आगे बढ़ करके सुनना होता है। आप इस लोकेशन के बारे में पता होगा, और यहाँ पर S1 हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट हैं, ये अभी फिलहाल हमें पता होना चाहिए। एक है M1 और दूसरा है T1। ये S1 हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट्स हैं, M1 और T1। इसी तरीके से S2 हार्ट साउंड है उसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, A2 और P2। A2 एआर्टिक वाल्व के क्लोज होने के बारे में बताता है, जबकि P2 पल्मोनरी वाल्व के बारे में जानकारी देता है कि पल्मोनरी वाल्व कब क्लोज हो रहे हैं। तो ये जो A2 P2 वाले जो इसके दो कंपोनेंट हैं, ये S2 के दो कंपोनेंट हैं, A2 और P2, आप समझ सकते हैं, इसे याद रखना है, ये S2 हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट्स हैं। अब हमें ये समझना होगा कि दो अलग अलग वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उस समय S1 और दो अलग अलग वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उस समय S2। यहां पर आमतौर पर S1 हार्ट साउंड के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये सिंगल हार्ट साउंड के रूप में सुनाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में टाइम का गैप बहुत कम होता है, इसलिए हमारी ईयर इन दोनों ही वाल्व्स को एक साथ क्लोज होते हुए सुनती है। हालांकि इनके बीच में गैप होता है लेकिन 20 मिलीसेकंड से कम का गैप होता है, इसलिए M1 T1 को एक हार्ट साउंड के रूप में सुना जाता है। S1 हार्ट साउंड के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये S1 हार्ट साउंड कब सुनाई देता है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व्स के क्लोजिंग के समय। ये क्लोज कब होंगे, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करने के लिए तैयार होगा। यहाँ पर हम हार्ट साउंड S1 कब प्रोड्यूस होता है उसको इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जब वेंट्रिकल सिस्टोल करने के स्टार्टिंग जो प्राइमरी जो फेज होता है उसमें
आप देखेंगे वेंट्रिकल जब सिस्टोल करना चाहता है यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले ये दोनों ही वॉल्स जो यहाँ पर वॉल्स हैं, चाहे वो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो या फिर बाइकस्पिड वॉल्व हो, ये दोनों ही वॉल्स क्लोज कर दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के समय, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किए जाने के समय ये पूरा का पूरा ब्लड अपने करिस्पॉन्डिंग आर्टरी में पहुंच जाए। जैसे कि आप समझ सकते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पर आप आर्च ऑफ एर्टा में जाते हुए आप समझ सकते हैं। तो ये शुरुआती दौर में क्या हुआ, हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ये ब्लड अपने करिस्पॉन्डिंग आर्टरी में पहुंचे, आर्च ऑफ एर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करे और बैक फ्लो ना जाए, इसलिए मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों ही क्लोज कर दिए जाते हैं और इस वजह से, इनके क्लोजिंग की वजह से एक हार्ट साउंड सुनाई देता है जो कि लब साउंड। लब ये कैरेक्टरिस्टिक साउंड, यह साउंड लब के आवाज में सुनाई देती है। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि वॉल्व जितना ही हार्डली क्लोज होगा आप समझ सकते हैं उतना ही लाउड साउंड सुनाई देगा। आप समझ रहे ना, ये ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व हैं ये जितना ही हार्डली क्लोज होंगे उतना ही लाउड साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब यहाँ पर हार्डनेस होने पर लाउड S1 सुनाई देगा। स्पष्ट है कि मिट्रल स्टेनोसिस हो या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो तो ऐसे मामलों में हमें लाउड S1 सुनाई देता है, लाउड लब साउंड सुनाई देगा। हार्ट रेट बढ़ा हुआ हो तो भी ये बहुत फोर्सफुली क्लोज किए जाएंगे, उस समय भी हमें लाउड S1 सुनाई देगा। तो इसलिए इंक्रीज्ड हार्ट रेट होने पर भी लाउड S1 सुनाई देता है। अब सवाल यह है सॉफ्ट S1 कब सुनाई देगा। आप समझ सकते हैं वॉल्व्स अगर अच्छी तरीके से क्लोज नहीं होंगे तो हमें सॉफ्ट S1 सुनाई देगा। सॉफ्ट S1 कब सुनाई देता है, ये रिगर्जिटेशन के समय सुनाई देता है। रिगर्जिटेट करेंगे, जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन हो, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो या फिर हार्ट रेट धीमी हो गई हो, ऐसे मामलों में हमें सॉफ्ट S1 सुनाई देता है। S2 हार्ट साउंड पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम S1 साउंड पर ही फोकस करेंगे जिसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों ही वॉल्व के क्लोज होने के कंडीशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। S1 और S2, S1 लब, S2 डब, इसके दो कंपोनेंट आमतौर पर इन्हें हम सिंगल साउंड्स के रूप में सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस में इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये साउंड हाई पिच साउंड होते हैं जिन्हें हम स्टेथोस्कोप के डायफ्राम की मदद से सुनते हैं। यहां पर एक बार हम फिर से उन सारी चीजों को रिकॉल कर लें। S1 साउंड मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज करने पर आवाज सुनाई देती है। ये कैरोटिड पल्स के साथ कोरिलेट करते हैं, ये स्प्लिट कर सकते हैं लेकिन ये जनरली स्प्लिट नहीं करते हैं। S2 में स्प्लिटिंग हमें ज्यादा सुनाई देती है, ये एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स के क्लोजिंग के समय सुनाई देते हैं। इनमें स्प्लिटिंग क्यों होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर A2 पहले सुनाई देगा, B2 P2 बाद में सुनाई देगा, तो A2 बिफोर P2 ऐसा क्यों, इस बात को भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस S1 हार्ट साउंड के बारे में डिटेल स्टडी करने का है। तो S1 हार्ट साउंड जिसमें M1 T1 दो कंपोनेंट हैं, ये एक साथ सुनाई देते हैं क्योंकि इनके बीच में जो टाइम का गैप है वो 20 मिलीसेकंड से भी कम का होता है, इसीलिए सिंगल हार्ट साउंड के रूप में सुनाई देते हैं, इनको ईयर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। अब ये क्वेश्चन ईयर क्यों नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा, क्योंकि आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेट करने की एक लिमिट होती है। अब सवाल ये भी पूछे जाते हैं लाउड S1 कब सुनाई देगा, सॉफ्ट S1 कब सुनाई देगा। तो मैंने आपको बताया ना जितना ही फोर्सफुली जा करके वॉल्स क्लोज होंगे, जितने हार्डली क्लोज होंगे, जितने ताकत से क्लोज होंगे उतना ही लाउड साउंड सुनाई देगा, और जितना ही सॉफ्टली या फिर ना क्लोज हो अगर वॉल्व तो सॉफ्ट S1 सुनाई देगा। तो लाउड कब सुनाई देगा, स्टेनोसिस के समय, मिट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या फिर टैकीकार्डिया के कंडीशन में, ये बात मैंने आपको समझाया है। और मिट्रल रिगर्जिटेशन हो, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो या फिर हार्ट रेट स्लो डाउन हो गया हो तो ऐसे मामलों में सॉफ्ट S1 सुनाई देता है। सॉफ्ट S1 हैवली कैल्सिफाइड मिट्रल स्टेनोसिस में भी सुनाई देता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से उन्हीं सारी चीजों को रिकॉल कर लें जो हमने एक फंडामेंटल्स अपने दिमाग में सेट कर रखा है। याद रखना है कि एवी वॉल्स दरवाजों की तरीके से होते हैं। दरवाजा जोर से बंद करेंगे तो आवाज लाउड सुनाई देगी, और अगर दरवाजे धीमे से बंद किए जाएंगे तो हमें
सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। तो यही यहां पर घटना होती है लाउड S1 सॉफ्ट S1 के समय। अगर दरवाजा पूरा बंद नहीं होगा तो सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। तो लाउडनेस क्यों सुनाई दिया आप समझ सकते हैं, सॉफ्टनेस क्यों सुनाई दिया इसको आप अनुमान लगा सकते हैं। तो रिगर्जिटेट किया है, वाल्व्स क्लोज नहीं हुए हैं, या फिर हार्ट रेट बहुत धीमा है इसलिए भी सॉफ्ट हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है। एक बात मैंने आपके दिमाग में जो रखा है वो भी समझ लें, अगर दरवाजे बिल्कुल भी बंद ना हो पाए, जैसे हाईली कैल्सिफाइड मिट्रल स्टेनोसिस है, तो ऐसे मामलों में क्या होगा, सॉफ्ट S1 सुनाई देगा। तो हाईली कैल्सिफाइड मिट्रल स्टेनोसिस के मामलों में भी हमें S1 सॉफ्ट सुनाई देता है। वैसे आमतौर पर इन जनरल थोड़ी बहुत हार्डनेस है, मिट्रल स्टेनोसिस है, तो उस समय लाउड हार्ट साउंड सुनाई देता है। लेकिन अगर हैवली कैल्सिफाइड हो जाएगा तो फिर दरवाजे पूरी तरह बंद ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें सॉफ्ट S1 सुनाई देता है। इसके बाद अब हम S2 हार्ट साउंड की बात करेंगे। एक्चुअली जहां S1 इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बता रहा था, वहीं S2 एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बताता है। कैसे, आप समझ सकते हैं कि यहां पर जब वेंट्रिकल्स पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके स्क्वीज करके मैक्सिमम ब्लड को फ्लो मींस फेंक चुका होता है, उसके बाद ब्लड दोबारा वापस ना आने पाए, इसलिए वापस मींस आप समझ सकते हैं बहुत ही फोर्स के साथ यहां पर जब ब्लड को पंप किया जाता है, जब ये ब्लड पंप किए जाते हैं तो उस समय थोड़ी देर बाद जब ये ब्लड आगे बढ़ता है तो थोड़े से ब्लड बैक होने का प्रयास करते हैं। बैक होने का जो ही प्रयास करते हैं तुरंत ये वॉल्स क्लोज हो जाती हैं। ये वॉल्स हैं कौन कौन सी, यहां पर देखिए ये एओर्टिक वॉल्व है और ये पल्मोनरी वॉल्व है। तो ये एओर्टिक वॉल्व और ये पल्मोनरी वॉल्व जब क्लोज होती हैं, इसके कारण S2 हार्ट साउंड सुनाई देता है। आप समझ लीजिए यहां पर ये है S2 हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट्स, एक है A2 दूसरा है P2। याद ये भी रखना है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बहुत तेजी से ब्लड को पंप करता है, इसलिए बहुत जल्दी ये ब्लड को पंप कर देता है, इसलिए ब्लड इसका फ्लो बैक फ्लो जो करके थोड़ा बहुत आते हैं ये जल्दी आते हैं, इसलिए इसका वाल्व जल्दी क्लोज होता है। आप बात समझ सकते हैं ना, ये बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ब्लड बहुत आगे फोर्सफुली जाता है और उसके बाद ये थोड़ा सा ये उतना फोर्सफुली ये नहीं पंप कर पाता है, तो इसका ब्लड थोड़ा सा लेट जाता है। तो इसका जल्दी गया तो जल्दी आगे बढ़ा और थोड़ा सा बैक आने का प्रयास किया तो जल्दी ही इसका वॉल्व क्लोज हो जाएगा, इसलिए आप देखेंगे A2 पहले सुनाई देता है और P2 थोड़ा सा बाद में सुनाई देता है। तो चलिए बात करते हैं S2 हार्ट साउंड के दोनों कंपोनेंट्स की, जो कि A2 और P2 वॉल्व्स के क्लोज होने पर सुनाई देते हैं। इसमें पहले कौन सुनाई देगा, जो बहुत फोर्सफुली बंद किया गया है, बहुत फोर्सफुली ब्लड को भेजा है, A2 पहले बंद होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे ब्लड को पंप करता है और इसलिए जल्दी ही इसका बैक फ्लो आता है, जिसके कारण A2 जल्दी ही क्लोज हो जाता है, आप समझ सकते हैं। और जब इंस्पायर करने की घटना होती है, इंस्पिरेशन की घटना होती है, उस समय इस स्प्लिटिंग को और बेहतर तरीके से सुना जा सकता है। कैसे, उसको मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे क्या होता है जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होती है और उस स्प्लिटिंग को कब सुना जा सकता है, इस चीज को मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पर ये मैं बताना चाह रहा हूं, आपके सामने बना रहा हूं थोरैसिक जो केस है उसको बना रहा हूं, और यहां पर दो लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है। एक्चुअली क्या होता है, इंस्पायर करने के दौरान ये थोरैसिक केस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाता है, आप जानते हैं ना PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो जब प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इसके कारण इस जोन में क्या हुआ, प्रेशर यहां पर कम हो गया, इसके कारण होगा क्या, जो ब्लड रिटर्न होकर के आने वाले थे वो इस लो प्रेशर के जोन में इंस्पायर करने के दौरान जब थोरैसिक केस वाइड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो इसके कारण यहाँ प्रेशर कम हुआ है, तो जो भी हाई प्रेशर जोन से ब्लड आ रहा था वो तेजी से यहां पर पहुंचने लगेगा, यानी इंस्पायर करने के दौरान यहां पर ब्लड बहुत तेजी से राइट एट्रियम में पहुंचेगा। जब ये यहां पर ज्यादा पहुंचेगा इंस्पायर करने के दौरान, तो ये ज्यादा राइट वेंट्रिकल में भी पहुंचेगा, जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो राइट वेंट्रिकल ज्यादा ब्लड को यहां पर फेंकने की यहां पर जिम्मेदारी होगी, आप बात समझ सकते हैं, ज्यादा ब्लड को फेंकने की जिम्मेदारी होगी, यानी ये बहुत देर तक ब्लड को फेंकता रहेगा क्योंकि यहां ब्लड बहुत ज्यादा आया हुआ है, बात समझ सकते हैं। तो यहां पर जो A2 पहले मिल रहा था आप समझ सकते हैं ना, और फिर मैंने बताया थोड़ी देर बाद P2 मिलता है, P2 क्यों मिल रहा है,
क्योंकि जब ये ब्लड आगे जाते हैं तो ये जब बैक वापस आते हैं तो उसी समय वॉल्स क्लोज होती हैं, आप समझ सकते हैं। A2 क्यों मिलता है, जब ये इस साइड में वही घटना होगी कि जब ये आर्च ऑफ एओर्टा अपने ब्लड को आगे भेजने का प्रयास करते हैं तो बैक आने पर ये वॉल्स क्लोज होती है, इसके कारण A2 सुनाई देता है। अब A2 और P2 क्यों सुनाई देते हैं, ये बात तो समझ में आ गया। A2 पहले सुनाई देता है, ये भी मैंने आपको बताया। P2 बाद में सुनाई देता है, ये भी मैंने आपको बताया। A2 अब हुआ क्या, यहां पर A2 आप इमेजिन करें तो जब ब्लड बहुत ज्यादा है तो इसके कारण ये बहुत देर तक ब्लड को पंप करता रहेगा, इसीलिए इसका जो खाली होने का समय है थोड़ा बढ़ जाएगा, ये बहुत देर तक पंप करता रहेगा। इसके बाद जब बैक फ्लो आएगा थोड़ा लेट आएगा, यानी नॉर्मल जो P2 इवेंट होना चाहिए वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, आप बात समझ सकते हैं, थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा पंप करना था, इसलिए ज्यादा देर तक राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, इसलिए P2 इस दौरान क्या हो गया है, P2 आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये ब्लड बहुत देर तक पंप करता रहा तो इसलिए बहुत देर बाद ये बैक फ्लो आएगा, बहुत देर बाद जब आएगा तब जाके वॉल्स क्लोज होंगी, इसलिए P2 थोड़ा लेट सुनाई देगा इंस्पायर करने के दौरान। A2 के इवेंट्स में क्या होगा इसको भी देखें। इंस्पायर करने के दौरान यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो इसलिए यहाँ पर ये जो लो प्रेशर का जोन है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करना चाहती थी, अब वो डायलेट हो गई, वो रिटर्न नहीं करना चाहती हैं इंस्पायर करने के दौरान, क्योंकि लो प्रेशर का जोन है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो इसलिए यहां पर ब्लड वेसल्स जो है बहुत डायलेट हो गई, वो वापस नहीं भेजना चाहती, तो ब्लड बहुत नॉर्मली जितना वापस पहुंचना चाहिए उतना ब्लड यहां आया नहीं, ब्लड कम आया लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कम ब्लड पंप भी किया गया। अब बात समझ पा रहे हैं ना, ये ब्लड आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बॉडी में जो ब्लड पंप किया गया, चूंकि ब्लड कम रिटर्न होकर गया तो बॉडी में भी कम ही पंप किया गया। आप इस साइड में नीचे की जो मैं दिखा रहा हूं इसको आप समझ लें कि ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये एओर्टा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं ऊपर की ओर दिखा रहा था उसको थोड़ा नीचे करके यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं, तो यहां से ब्लड कम जाएगा, जब कम जाएगा तो वॉल्व भी जल्दी ही क्लोज हो जाएगा, यानी A2 थोड़ा पहले हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो अब आप देखिए नॉर्मली A2 और P2 के बीच का स्प्लिटिंग इतना था, अब ये स्प्लिटिंग बढ़ करके ज्यादा हो गया है, इसीलिए कहा जाता है इंस्पायर करने के दौरान आप स्प्लिटिंग को बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। तो इंस्पायर करने के दौरान क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में ओवरलोड आ गया, ब्लड कुछ ज्यादा आ गया, क्यों, क्योंकि राइट एट्रियम में लो प्रेशर का जोन हुआ, इसलिए जो वीनस रिटर्न था वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जोन में ब्लड आगे बढ़ेगा, तो राइट एट्रियम का प्रेशर अगर कम हुआ है वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ब्लड ज्यादा आ गया तो राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड ज्यादा आएगा, इसके कारण P2 बहुत देर में साउंड सुनाई देगा और इस दौरान एक्स्ट्रा ब्लड पहुंचा है, इसीलिए राइट साइड में ये इवेंट हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अर्ली इवेंट होगा, क्योंकि जो A2 कंपोनेंट है वो जल्दी बंद हो जाएगा। A2 कंपोनेंट क्यों जल्दी बंद हो जाएगा इसको भी मैंने आपको बताया कि ब्लड लेफ्ट साइड में कम रिटर्न आएगा, राइट साइड में ज्यादा पंप किया जा रहा है और लेफ्ट साइड में कम रिटर्न आ रहा है, इसीलिए A2 और P2 के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। स्प्लिटिंग यहां पर इंस्पायरेशन के दौरान नॉर्मली सुनाई देती है और ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्प्लिटिंग पैथोलॉजिकल हो जाती है, तो वो कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस बात को याद रखना कि इंस्पायर करने के दौरान A2 और P2 के बीच का गैप बढ़ जाता है, ये नॉर्मल स्प्लिटिंग है, इसके लिए ज्यादा घबराना नहीं है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है और ये अर्ली और लेट P2 का जो इवेंट था वो नॉर्मल घटना थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें पैथोलॉजिकल वेरिएशन भी आता है, वो तो इंस्पायर करने के दौरान मिल रहा था, लेकिन अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान भी अर्ली A2 मिल रहा हो या फिर लेट P2 मिल रहा हो, तो एक्सपायर करने के दौरान भी अगर ये स्प्लिटिंग मिल रहा है तो ये पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हो सकती है। ये कब हो सकता है संभव, उसको एक बार फिर से हम इमेज के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अर्ली A2 कहा मैंने, तो मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा हार्ट है और इस हार्ट के इस वेरिएशंस को आप देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर लेफ्ट साइड को ही मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, मिट्रल स्टेनोसिस मुझे समझाना है। तो आप जानते हैं कि ये लंग से ब्लड आया, ठीक है, यहां से आया, ये ब्लड पंप किया जाना है, ब्लड पंप किया जाएगा और उसके बाद यहां पर क्या होगा, जितना ही ज्यादा ब्लड का यहां वॉल्यूम होगा उतने ही देर तक इसको पंप करना पड़ेगा, उतने ही देर तक ये आगे जाएगा, इसीलिए बैक फ्लो थोड़ा लेट आता है, मतलब समझ रहे ना, ब्लड अगर यहां ज्यादा रहा तो ज्यादा देर तक इसको पंप करना पड़ेगा, सारे ब्लड को आगे भेजना है,
तो इसके कारण बैक फ्लो बाद में आता है। लेकिन अगर ब्लड का वॉल्यूम कम रहे, या पंप कम करना रहे ब्लड को, तो क्या होगा, ब्लड आगे अगर ज्यादा नहीं पहुंचेगा तो जल्दी ही वाल्व क्लोज हो जाएगा। मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, A2 जल्दी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड आगे जा रहा है पंप करने के दौरान, और उसी दौरान रिगर्जिटेशन के दौरान ब्लड थोड़ा रिगर्जिटेट भी हो रहा है। इसके कारण जो ब्लड आगे जाना था वो कम जा रहा है, कम जाएगा तो जल्दी ही ये बैक फ्लो मार करके इसको बंद कर देगा। तो आप समझ सकते हैं अर्ली A2 मिट्रल रिगर्जिटेशन के दौरान सुनाई देता है। इसी तरीके से आपको पता है ना, इसके दो कंपोनेंट हैं, A2 और P2। अब अगर इसके बीच में स्प्लिटिंग करना है, वाइड स्प्लिटिंग करना है, तो एक इवेंट ये आप कर सकते हैं कि A2 पहले हो जाए, तो इसका गैप बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं आप। दूसरा इवेंट, एक ऑप्शन तो ये मैंने आपको बताया, ऐसे आप कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि A2 नॉर्मल ही रहे, आप P2 को वाइड कर दीजिए। आप बात समझ पा रहे हैं, तो भी ये वाइड हो जाएगा। नॉर्मल जो इसका वाइडनेस है वो बढ़ सकता है, या तो अर्ली A2 हो जाए, या A2 नॉर्मल रहे, P2 वाइड हो जाए। तो ये P2 वाइड कब हो सकता है, उसको अब हम समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये राइट साइड ऑफ द हार्ट को मैं बना रहा हूं यहां पर, और यहां पर ब्लड को पंप करना है, आप इमेजिन करें। और ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है जो पूरी तरीके से नॉर्मल है, ये नॉर्मल सिचुएशन में लेफ्ट साइड है। लेकिन राइट साइड में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होने के कारण यहां पर जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए तो ये उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होने की वजह से ये टाइमली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये लेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लेट से ब्लड को भेजेगा, तो लेट से जब ब्लड को भेजेगा तो लेट से ब्लड बैक आएगा, तो इसीलिए लेट से P2 सुनाई देगा। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आपको डिलेड P2 सुनाई देता है, इसीलिए यहां पर वाइड स्प्लिटिंग सुनाई देती है। ये सारी कंडीशंस दिमाग में रहना चाहिए, और इसे याद करने जैसा कुछ नहीं है। अगर हम फंडामेंटल्स को क्लियर रखेंगे तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आमतौर पर यहां पर जब भी ब्लड पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा में ब्लड पंप किया जाता है। लेकिन अगर ये ब्लड पीछे की ओर जाने लगे, रिगर्जिटेट कर जाए, लेफ्ट एट्रियम में वापस जाने लगे, तो होगा क्या, ब्लड कम आगे जाएगा, यानी जल्दी ही ये एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एओर्टिक वाल्व जो है, एओर्टिक वाल्व यहां पर जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये एओर्टा जल्दी क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड कम जा रहा है, क्योंकि इधर से ब्लड 50% इधर रिगर्जिटेट कर जा रहा है। मिट्रल रिगर्जिटेशन होने पर ये प्रॉब्लम होती है कि लेस ब्लड गया, तो इसलिए लेस ब्लड फ्लो होने के कारण जल्दी ये बैक आएगा और यहाँ वाल्व क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे मामलों में A2 अर्ली हो गया तो गैप अपने आप बढ़ गया। दूसरा, लेट P2 हो जाए, अर्ली A2 या लेट P2 हो जाए, तो लेट P2 का मतलब मैंने आपको बताया था ना, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर राइट साइड में बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया है तो ये काफी लेट में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब इसकी स्पॉन्टेनिटी होगी तभी ये डिपोलराइज होगा, लेट डिपोलराइज होगा, लेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब A2 तो नॉर्मल है लेकिन P2 डिले हो गया है, तो इस वजह से राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन लेट होगा, इस वजह से लेट P2 सुनाई देगा। इस बार भी आपको एक गैप सुनाई देगा, वाइड स्प्लिटिंग सुनाई देगा। तो लेफ्ट एट्रियम जैसे अपना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था तो वो तो अर्ली कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, वो ये नॉर्मल काम कर रहा है लेफ्ट एट्रियम, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल लेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसमें प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से जो स्प्लिटिंग है, लेट P2 वाली जो घटना है, ये एक और मामले में देखने को मिलती है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में भी लेट P2 सुनाई देते हैं। तो आपको मैंने बताया, अर्ली A2 हो या लेट P2 हो, लेट P2 की एक घटना मैंने आपको बताया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दूसरा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स भी इसके लिए हो सकता है। तो यहां पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो कि मोस्ट कॉमन है वो है ऑस्टियम सेकेंडम टाइप। ये होता क्या है, इसको आप पीडियाट्रिक्स के लेक्चर में डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो कि ऑस्टियम सेकेंडम टाइप का होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और इसकी खास बात ये होती है कि इस दौरान जो स्प्लिटिंग होती है वो वाइड होती है, फिक्स्ड होती है। तो आप देखेंगे S2 हार्ट साउंड का वाइड और फिक्स्ड स्प्लिटिंग कब मिलेगा, ये ASD के मामलों में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली फाइंडिंग है, इसको मैंने वहां पर डिटेल में समझाया है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में। यहां लेफ्ट साइड में ब्लड जल्दी कम हो जाएगा
और आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पर वॉल्व मीन्स डिफेक्ट होने के कारण लेफ्ट साइड से ब्लड गश करके मीन्स फोर्सफुली राइट साइड में पहुंच जाएगा, तो राइट साइड पर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, इसलिए राइट वेंट्रिकल देर तक काम करता रहेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जल्दी ही अपना काम खत्म कर लेगा। अब बात समझ पा रहे हैं ना, तो A2 जल्दी मिल जाएगा और P2 लेट में मिलेगा, इस वजह से लेट P2 यहां पर क्यों मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट शंट हुआ है। इस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमें याद रखना है। तो यहां पर स्प्लिटिंग फिक्स्ड होती है, चाहे वो इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो, और ये वाइड होती है, फिक्स्ड होती है सेकेंड हार्ट साउंड में मिलने वाली स्प्लिटिंग, चाहे इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड या सेकेंड हार्ट साउंड की रिवर्स स्प्लिटिंग कब होती है, यानी यहां पर P2 अर्ली सुनाई देगा और A2 लेट सुनाई देगा। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिवर्स स्प्लिटिंग की बात है, ये क्यों थियोरेटिकल है। आप नहीं कह सकते कि रिवर्स स्प्लिटिंग है या नॉर्मल स्प्लिटिंग है या रिवर्स स्प्लिटिंग, आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप केवल स्प्लिटिंग सुनते हैं बहुत, मतलब हम इन जनरल इस रिवर्स स्प्लिटिंग को बता नहीं सकते। स्प्लिटिंग बता सकते हैं लेकिन रिवर्स स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको ड्यूरेशन वाइज बताया कि A2 पहले होता है और P2 बाद में होता है नॉर्मली। अब यहां पर क्या होगा, P2 तो लगभग नॉर्मल रहेगा, समस्या यहां पर A2 वाले साइड में आती है। आप समझ लें, यहां पर मैक्सिमम मामलों में आप देखेंगे P2 तो लगभग नॉर्मल रहेगा, यही डिलेड होते 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 P2 से भी आगे बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ये कब पॉसिबल है भाई कि A2 डिलेड हो जाए, इतना डिलेड हो जाए कि P2 के आगे पहुंच जाए। तो आप समझ सकते हैं ना, यहां पर हार्ट आप बनाएं और इमेजिन करते चलें अपने मन से, तो आप समझ सकते हैं कि अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं ना कि ये बहुत लेट में पंप कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा लेट में पंप करेगा। राइट साइड तो आराम से पंप कर देगा, P2 अपने समय पर सुनाई देगा, लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो तो हार्ट बहुत देर में ब्लड को पंप कर पाएगा, तो बैक फ्लो लेट में आएगा, तो इसलिए A2 बाद में सुनाई देगा। ये हो सकता है रिवर्स का एक कारण। दूसरा कारण एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एओर्टा हार्ड हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं, एक तो ये है कि दूसरा कारण आप ये समझें कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ एओर्टिक वॉल्व में स्टेनोसिस हो गया है। एओर्टिक वॉल्व में स्टेनोसिस हो जाएगा तो बहुत धीरे धीरे ब्लड पहुंचेगा, धीरे धीरे ब्लड ये पंप कर पाएगा और बहुत देर तक पंप करता रहेगा, तो धीरे धीरे आगे जाएगा तो बहुत लंबा समय लगाएगा, तो इसलिए A2 बढ़ते 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 P2 से आगे पहुंच जाएगा और वॉल्व बाद में क्लोज होगा, P2 के बाद क्लोज होगा, ऐसा एओर्टिक स्टेनोसिस के कंडीशन में पॉसिबल है। दूसरा और तीसरा कंडीशन ये पॉसिबल है कि मान लीजिए आगे बहुत ज्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड पंप करते समय बहुत आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, हाइपरटेंशन की सिचुएशन है, तो होगा क्या, बहुत मेहनत करके धीरे धीरे करके ब्लड आगे पहुंच पाएगा। हाइपरटेंशन की सिचुएशन में ब्लड बहुत धीरे धीरे आगे करके पहुंच पाएगा तो लंबे समय तक ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, तो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल लंबे समय तक काम करेगा तो ब्लड देर तक यहां आगे बढ़ेगा, तो इस दौरान भी A2 के क्लोज होने में समय लगेगा, जब ये बैक फ्लो मारेगा तभी जाकर के ये वाल्व क्लोज होंगी, तो A2 यहां पर भी लेट क्लोज होगा। इस वजह से यहां पर भी हाइपरटेंशन में भी रिवर्स स्प्लिटिंग हो सकती है। तो चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड हार्ट साउंड में जो A2 और P2 का कंपोनेंट है, इसमें P2 के बाद A2 सुनाई दे। आमतौर पर क्या होता है, A2 पहले सुनाई देता है, P2 के बाद A2 सुनाई दे, तो ये रिवर्स कंडीशन होती है। ये कब पॉसिबल है, ये मैंने आपको बता रखा है कि इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होने पर, मैंने आपको बताया लेट में A2 लेट में सुनाई देगा, इसी तरीके से हाइपरटेंशन की कंडीशन मैंने आपको बताया और एओर्टिक स्टेनोसिस को आपको समझना होगा। ये तीन कारण कम से कम हमें याद रखना है रिवर्स स्प्लिटिंग का, और इन जनरल हम इसे नहीं कह सकते कि स्प्लिटिंग रिवर्स है या जनरल है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लास्ट हम S1 S2 को समझ लिए, S3 के बारे में मैंने आपको बताया था, S3 S4 के बारे में हम उसके बारे में अंतिम हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से सारी चीजों को रिकॉल कर लें। टोटल 4 हार्ट साउंड होते हैं, S1 और S2 को हमने सुन लिया, ये स्टेथोस्कोप के डायफ्राम की मदद से सुने जाते हैं, लब डब साउंड होते हैं। S3 और S4 स्टेथोस्कोप के डायफ्राम की मदद से नहीं सुन पाते हैं, ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस भी नहीं सुनाई देती हैं, ये लो फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होती हैं। और जैसा कि अभी मैंने S1 और S2 के बारे में बताया, तो S1 स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बता रहा था और S2 एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बता रहा था,
है ना। तो इसलिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच में कौन सी घटना हुई है, पहले S1 सुनाई दिया, सेकेंड हार्ट साउंड सिस्टोल के बाद में सुनाई दिया, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड, बिल्कुल सही बात है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब होगा, तो इसका उल्टा कह दें, सेकेंड और फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच में वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। एक बेसिक जानकारी जिसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे S3 और S4 के बारे में। तो जो S3 और S4 हार्ट साउंड है ये वेंट्रिकुलर कैविटी में ओरिजिनेट होते हैं, मैंने आपको बताया है। और जब पैसिव फिलिंग होती है तो उस दौरान S3 हार्ट साउंड सुनाई देता है, ये वेंट्रिकुलर फिलिंग से रिलेटेड होते हैं। S3 कब सुनाई देता है, जब अर्ली पैसिव फीलिंग होती है तो उस समय हमें S3 हार्ट साउंड सुनाई देता है। और जब एट्रिया सिस्टोल करके लास्ट का जो फोर्सफुल जो फीलिंग करता है वेंट्रिकल का, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल का फोर्सफुली जो फीलिंग करता है, उसकी वजह से एक्टिव जो फीलिंग होती है वो S4 साउंड को प्रोड्यूस करती है। एक बेसिक जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए, S3 और S4 ये आमतौर पर सुनाई नहीं देता है, ये लो पिच साउंड होते हैं। इन्हें हम, आप समझ सकते हैं कि इसको हम बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं, ये डायफ्राम की मदद से नहीं सुनाई देते हैं। S3 कई बार फिजियोलॉजिकल हार्ट साउंड के रूप में हो सकता है कुछ लोगों में, आमतौर पर S1 और S2 ही सुनाई देते हैं, S3 S4 नहीं सुनाई देते, लेकिन S3 फिजियोलॉजिकल हो सकता है। कब, अंडर यंग एज, 40 इयर्स का कोई पर्सन है, उसमें ये फिजियोलॉजिकली हो सकता है सुनने को मिल जाए। एथलीट्स में सुनने को मिल सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में इसे सुनने को मिल सकता है। लेकिन S4 हार्ट साउंड जो होते हैं वो अधिकतर मामलों में पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ही सुनने को मिलते हैं। तो दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए, S3 S4 कब सुनाई देता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। S3 कई बार फिजियोलॉजिकल होता है, कई बार पैथोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल S3 कब सुनाई देगा, जब हार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया हो, तो ऐसे मामलों में ये सुनाई देता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के समय जब सिस्टोल होता है, तो उस समय सिस्टोल अगर फेल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें पैथोलॉजिकली S3 हार्ट साउंड सुनने को मिलता है। जब वेंट्रिकल्स बहुत इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है, तो उस समय हमें S3 हार्ट साउंड पैथोलॉजिकली सुनने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे हार्ट जब मुलायम हो जाता है, कंप्लायंट हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी हमें सुनाई देता है S3 हार्ट साउंड। यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होने पर कैसे S3 हार्ट साउंड सुनाई देता होगा। आप देखें यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, तो ब्लड बहुत ज्यादा आगे पंप नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड पीछे इकट्ठा है लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो जब पैसिवली जो गिरता है हार्ट साउंड, सॉरी पैसिवली जो ब्लड गिरेगा उसी की वजह से आपको S3 हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड थोड़ा सा कलेक्टेड है, वो जब गिरेगा तो S3 हार्ट साउंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में सुनने को मिल सकता है। आप बात समझ सकते हैं, यहां पर जो पैसिव फॉल होता है वो हमें सुनने को मिल सकता है। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के समय S3 हार्ट साउंड सुनाई पड़ सकता है। एक बात और भी है कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाए, कंप्लायंट हो जाए, तो ऐसे मामलों में भी ये सुनाई पड़ सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एक कारण हो सकता है, पेरिकार्डियल नॉक, ये ऐसी कंडीशन है पेरिकार्डियल नॉक जिसमें हमें हाई पिच्ड S3 साउंड सुनाई देगा। तो आमतौर पर ये हैरिसन के अकॉर्डिंग थर्ड हार्ट साउंड पेरिकार्डियल नॉकिंग के समय हाई पिच सुनाई देगा, अगर पेरिकार्डियल नॉक है। आमतौर पर नॉर्मली थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड लो पिच साउंड होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पेरिकार्डियल नॉक की कंडीशन में थर्ड हार्ट साउंड हाई पिच्ड होता है, और इस समय भी S3 हार्ट साउंड सुनने को मिलता है। S4 हार्ट साउंड ये हमेशा ही पैथोलॉजिकल होता है, ये फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता है। ये हार्ट साउंड जब हार्ट कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाता है, उस समय ये सुनाई देता है। तो ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंडीशन में ये सुनने को मिलता है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया है, जिसमें शुरुआती दौर में पैसिव फीलिंग नहीं हो पा रहा है, यानी ये ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट की वेसल्स, सॉरी हार्ट की जो दीवारें हैं, आप समझ रहे हैं ना, वेंट्रिकल्स जो है वो नॉन कॉम्प्लायंट है, उतनी मुलायम नहीं है, इसलिए
पैसिव फिलिंग नहीं हो पा रहा है, तो जब एक्टिवली फोर्सफुली फिल किया जा रहा है तभी ये फिल हो पा रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं ना, S3 हार्ट साउंड कब सुनाई देता है, जब वेंट्रिकल्स सॉफ्ट होते हैं, और S4 हार्ट साउंड कब सुनाई देता है, जब वेंट्रिकल्स हार्ड होते हैं। तो S4 हार्ट साउंड की कंडीशन में क्या होता है, जो पैसिव फीलिंग होती है वो हो नहीं पाती और एक्टिव फीलिंग बहुत फोर्सफुली होती है, इस वजह से S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है। आप देखेंगे इस दौरान एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्सफुली पुश करता है ब्लड को एक स्टिफ और नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल के भीतर, इस वजह से हमें S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है। आप बात समझे, S3 हार्ट साउंड उस समय उतना ही अच्छा सुनाई देगा जितना ही सॉफ्ट, जितना ही मुलायम वेंट्रिकल्स होंगे, और S4 हार्ट साउंड चूंकि लास्ट जो फोर्सफुल जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल भरता है उस कंडीशन में S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है, तो S4 हार्ट साउंड उस समय ज्यादा बेहतर तरीके से सुनाई देगा जब एट्रिया बहुत फोर्सफुली गश करते हुए वहां पर ब्लड को भेजेगी, जब वेंट्रिकल स्टिफ होंगे नॉन कंप्लायंट होंगे। तो इससे एसोसिएटेड पैथोलॉजी क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, चाहे HCM का मामला हो, चाहे हाइपरटेंशन का मामला हो, या एआर्टिक स्टेनोसिस हो, तो हम समझ सकते हैं ना कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या हाइपरटेंशन या एआर्टिक स्टेनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो आप देखें यहां पर अगर वेंट्रिकल्स कंप्लायंट नहीं है, यहां पर ये इतने सॉफ्ट नहीं है, तो जो पैसिव फीलिंग था वो यहां पर नहीं हो पा रहा है, एक्टिवली जब लास्ट स्टेज का फीलिंग होगा वही यहां पर हो पाएगा, इसीलिए हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन या फिर एआर्टिक स्टेनोसिस के कंडीशन में हमें S4 हार्ट साउंड सुनाई देता है।